on mä tiedän. Oi jäkinen jässän vuhe! Oh, mä aliakar, kentee bande naaliakar! ओ तेरी भोगे वैसे मैं तमे का मरीज हो जाऊंगा। इस बदतमीज आदमी को छोड़े मनीर, आप ना मुझे वो दे दे। खबरदार जो इस औरत को कुछ दिया तो चल दफा हो जा बदतमीज नौकर। बेगम तुम्हें क्या चाहिए दफू ना? मुझे ना इस बार ईद पे चार जोड़े बना के देने आपने। अच्छा बस ते लो ये लो ये रखो और चार हैवे भी जोड़े बनाना ताकि तुम्हारे जोड़ जोड़ में दर्द हो जाए। अब्बा जी क्या हो गया, मुझे भी तो चाहिए ना पैसे ईद के कपड़ों के लिए। ओ भाई ईद की नमाज के बाद मैं कपड़े बांटूंगा, तू भी लाइन में लग जाना। अब्बा जी मजाक कर रहे हो तेरा प्यो। ले तू भी रख। ओ बहू तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? जी नहीं। अच्छा तो दुआ ले ले मेरे को लो और की। मालिक भाई मालिक भाई अब मुझे भी कुछ दे देना। क्या होने क्या होने? अब्बा जी गरीब आदमी है कुछ दे दे इसे भी। अले अले मारी भी और मेरे लिए खाना लगा अच्छा सा। अरे आपका रोजा नहीं है? वो अंधे बंदे से रोजा रखवाएगा, तू पागल तो नहीं हो गया है? अंधेपन का रोजे से क्या ताल्लुक भाई? ओहो मुझे वो बीमारी भी तो है ना। कौन सी बीमारी? मुझे याद नहीं आ रही है बेगम। एक काम करते हैं और चल के खाना खाते हैं और याद करते हैं कि मुझे कौन कौन सी बीमारियां हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो टेबल टेबल है अंदाजे से कहा मेरे। आ जाओ आ जाओ लवीसा। हाँ जी। याद है तुम मेरी बादामी आंखें देख के दीवानी हो गई थी? अच्छा आप थोड़े थोड़े वो होने की कोशिश कर रहे हैं ना। वो क्या नमसा? वो क्या क्या क्या? वो जो कपड़े धोने वाले पाउडर के साथ फ्री मिलते हैं ना, वो फ्री साबुन। आप ना साबुन होने की कोशिश ना करें ज्यादा। बेगम हाँ जी मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों से मुझे वो खिलाओ जहर। और नफीसा तुम किस किस्म की बातें कर रही हो भाई? को रोमांटिक बातें करो ना मेरे साथ। चुप। एक रोजेदार औरत पे लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो ना, शकूर को पता चल गया ना तिक्का बोटी कर देनी है उसने। भाई ये शकूर कौन है? ये आपका खाना आ गया। नफीसा बेगम भाई अपने प्यारे प्यारे हाथों से गिराओ मुझे। नहीं 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 गाल सुनो। और तुम लोगों का रोजा है, रोजे में तुम लोग टीवी देख रहे हो, शर्म नहीं आती? वो भी डांस वाला। चलो दबाओ तो। जी जी दबाओ। जी बजी बजी बजी। चलो जाओ। चलो जी बजी। तू बर्तन धोए जाके। मुझे तो कोई लोरी याद नहीं है भाई साहब। भाई साहब और मैं तुम्हारा शोहर हूँ नफीसा बेगम, तुम मुझे कोई गाना ही सुना दो यार। गाना? अच्छा तो फिर कोई आइटम सॉन्ग ही सुना दो नफीसा। जे मैं होंदी ढोलना हाय ढोलना सोने दी तवीतड़ी। अपन का दी निंदर निंदर ही उड़ गई है। देखो जन, अरे नबील अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ठीक है यार,
आप माँ जी को तलाक दे दे, मुझे कोई एतराज नहीं। ओए बेहया, ये मेरी बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर? अरे भाई, मैं उस अंधे शराफत की बात कर रहा हूँ जिसमें शराफत नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, तो आप लोग अबजी 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 की बात कर रहे हैं। अरे कहेगा अबाजी भाई, तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए हो नबील। अरे वो तुम्हारा बाप बाप नहीं है यार। महमूद साहब, बाप तो आप भी मेरे नहीं है, लेकिन उस बाप के आने से मुझे कम से कम फायदा जरूर हुआ है। मैं तो कहता हूँ ईद तक उन्हें अपने पास रखते हैं, फिर उन्हें छोड़ आएंगे उनके घर। हरगिज नहीं नबील, मैं पापा से अभी बात करती हूँ, वो पैसे भेज देंगे। तुम उनको प्लीज उनके घर छोड़ के आओ, उनके घर वाले परेशान हो रहे होंगे यार। देखो जानू अब्बा जी, इस घर में रहेंगे या नहीं हम लोग अफ्तार के बाद फैसला करेंगे। अभी मुझे बहुत जोर से रोजा लग रहा है। वो जो तुम्हें जोर से लग रहा है वो रोजा है? हाँ जी। अच्छा जी, चलो चल के अफ्तार की तो तैयारी करो। आइए आइए सब, आ जाओ आज, आ जाओ जानो आपको कैसे पता चला इस प्लेट में जलेबियां हैं? आप तो गूंगे। गूंगे नहीं, अंधे। हाँ हाँ, वही वही, अंधे हैं आप तो। मुझे भूलने की बीमारी है ना, इसलिए मैं भूल गया था कि मैं अंधा हूँ। अब सुन लिया आप लोगों ने, मेरे अंधे बाप को और परेशान मत करें। अबजी 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 अबजी, आप अफ्तारी करें आराम से। पापा पापा। जी 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 अबजी जी अबजी जी अबजी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ छोटा मोटा कारोबार करवा दूँ। सच अबजी, मैंने बचपन से ही ऐसे बाप की ख्वाहिश की थी जो मुझे कारोबार कराए। हाँ भाई, अब उम्र का क्या भरोसा है? कौन उम्र? अरे वो अपनी उम्र की बात कर रहे हैं भाई। इसलिए मैंने सोचा है कि अपनी जिंदगी में तमाम अपनी जायदाद तुम लोगों में तकसीम कर दूं। कितने प्यारे हैं आप सदाकत, कितना प्यार आ रहा है मुझे आपके ऊपर। अरे मोमू, तुम्हारा शौहर मैं हूँ भाई। तू इसका नौकर है कर्फ्यू? शर्फू, मुझे क्या जरूरत पड़ी है नौकरों के नाम याद रखने की? ये ना फ्रूट चाट खाए ना, मैंने अपने पैरों से बनाई है। हाथों से माँ जी? हाथों से मैं पेड़ लगाती हूँ, लगाऊं तुझे? निकाल के दे अबजी अबजी को। अबजी अबजी, फ्रूट चाट खाए, आपको कमजोरी हो रही है। मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ भाई, चखने दो भाई मुझे जरा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बहू बेटा, मेरे जुराबे नहीं मिल रही हैं। ये मेरी अलमारी है। तो तुम्हारी अलमारी मेरे कमरे में क्या कर रही है बहू? ये मेरा कमरा है। तो मेरी अलमारी तेरे कमरे में क्यों आई है पुत्रे? ओहो, ये कमरा और अलमारी दोनों मेरी हैं। ओ, वो असल में अंधा होना गलती से तुम्हारे कमरे में आ गया। कोई मसला नहीं। ये काला जोड़ा बड़ा चंगा लग रहा है तुम्हारे पे, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ 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 अली इमरान, हाँ हाँ भाई, अच्छे से कमर्शियल एरिया में मुझे बड़ी सारी शॉप चाहिए। हाँ हाँ, ज्वेलरी शॉप खोली है ना मैंने। और तू भाई मेरा टेंशन ना ले, बिल्कुल टेंशन ना ले। हाँ, किराए का कोई मसला नहीं भाई, मेरे अब्बा जी जिंदा हैं। हाँ, कल दोपहर तक बता दे मुझे, डन है। ओके बाय। जानो, मैं ज्वेलरी शॉप खोल रहा हूं और तुमने पापा जी से कह के वहां से कम 20 लाख की ज्वेलरी खरीदनी है। नबील, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। हाँ जानू, मुझे भी अब ये घर ठीक नहीं लगता। बस एक दफा मेरा काम सेट हो जाए ना, फिर अब्बा जी से कह के ना कोई अच्छा सा बंगला खरीदेंगे। मैं इस घर की नहीं, उस अंधे शख्स की बात कर रही हूँ नबील। खूबसूरत, मैं अब्बा जी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। नबील, वो तुम्हारे अब्बा जी नहीं है यार, तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते हो। एक अनजान शख्स को घर में ले आयो, अब्बा जी बना दिए। मैंने उन्हें दिल से अब्बा जी तस्लीम कर लिया है, और तुम्हें अगर कोई एतराज है तो तुम अपने अब्बा जी के पास आ सकती हो। शट अप नबील। ओके जान, इट्स ओके, रिलैक्स। भाई नफीसा, मैं चाहता हूँ कि ये पिंड की जितने भी जमीनें हैं ना, वो तुम्हारे नाम कर दूं। क्या नाम है तुम्हारा, किस नाम से पुकारूं तुझे? मेरा नाम रुस्काना है भाई साहब। ये तुम मुझे बार बार भाई कह के क्यों पुकारती हो, समझ नहीं आ रही है? एहतियातन पुकारती हो? आइंदा नहीं बोलूंगी भाई साहब। आफा, चलो खैर छोड़ो इस बात को। ये बताओ, जब हम तुम पहली बार मिले थे तो तुमने मेरी आंखों में देख कर क्या कहा था? फिटे मुंह है, ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? बिल्कुल महमूद असलम से मिलती हो, कहीं तुम उससे मिलती तो नहीं हो? कल मैंने चार खा के ना बहुत सारा यख ठंडा पानी पी लिया था, इसलिए गला बैठ गया। इस उम्र में अचार खाना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। खैर छोड़ो इस बात को, मेरे पैर दबा दो, गर्मी सो रहे। जी अच्छा जी, दबा दो शाह। हाय हाय हाय, ओए ओए,
नफीसा और बड़ी मर्दाना ताकत है तुम्हारे हाथों में, कई पार्ट टाइम बॉक्सिंग तो नहीं करती थी नफीसा? वो जी असल में रोज देसी घी के 5-6 परौंठे खाती हूँ ना, इसीलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, यार मैं सोच रहा हूँ नफीसा बेगम कि जो हमारा नौकर है ना बड़ा काम चोर है, ऐसा क्यों ना करूँगा उसको नौकरी से निकाल दूँ। है हाय हाय, तुमने तो मेरी टांगे तोड़ दी। भाई एक काम करो नफीसा बेगम, एक काम करो 4-5 किलो दूध लो और उसमें हल्दी डाल के मुझे पिला। अभी लाई अभी लाई। ओए 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 ओए, ओ भाई मेरी बेगम का बड़ा भारा हाथ है, मैं तो उसे ट्रक का इंजन खुलवाऊंगा। ओए अपने पापा ने अपने दोस्त के हाथ घर खर्च के पैसे भिजवा दिए। वाह माशाल्लाह, इसका मतलब है इस रमजान में हर तरफ से पैसे आ रहे हैं। वाह 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 वाह। अरे नबील, अब पानी सर से गुजर चुका है यार। क्या मतलब, आप अभी तक डूबे क्यों नहीं, आप जिंदा क्यों हैं? कफील, ये तेरे असली अब्बा जी हैं, जो तूने बदतमीजी की ना तो देखना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। यार नबील, उस आदमी को निकालो यार। अरे इस घर को अपना घर समझ बैठे और मेरी बीवी को नफीसा बेगम कहता फिर रहा है। हाँ और कितने प्यार से मुझे नफीसा बेगम कहते हैं ना। मुमताज मुमताज नहीं, नफीसा बेगम नफीसा बेगम। नबील तुम ज्यादा लालच मत करो यार, राशन के लिए लाए थे ना उनको, अब तो पापा ने पैसे भिजवा दिए घर के खर्चे के। तो घर के खर्चे के भेजे है ना जानू, कारोबार तो नहीं करवा के दे रहे ना, दुकान तो नहीं ना खोल के दे रहे मुझे। अरे भाड़ में गई तुम्हारी दुकान यार। हाँ नबील, तुम उनको उनके घर छोड़ कर आओ, वरना मैं खुद जाके बता दूंगी उनको सब कुछ और बट साहब को फोन भी कर दूंगी। ठीक है यार, मेरे तो खुशियां इस घर के लोगों को अच्छी ही नहीं लगती यार, हजम ही नहीं होती। चलो चल के बना चलो। आ जाओ 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 आ ओ बाप को बाप मान से इनकार कर रहे हैं, चितर पितर पुतर। अरे भाई ना ये आपका बेटा है और ना ही ये घर आपका है। आप अपना एड्रेस याद करने की कोशिश करें ना, हम आपको आपके घर छोड़ाएंगे। अच्छा क्या था एड्रेस, अभी बताता हूँ एक मिनट। खबरदार जो किसी ने हीरे की कोशिश की। वशा वशी खलास, और मैं तो आज ही रात फरार होने की कोशिश कर रहा था और मैंने सारा जेवर समेट लिया है। जो इसके बाप ने अभी अभी पैसे भेजे थे ना थद्दी, वो तो आप लेना भूल गए बच्चू। माँ जी जाओ फौरन पैसे लेके आओ, वरना तुम लोगों का पेजा उड़ा दूंगा। जा रही हूँ। जाओ जल्दी से ले आओ, जाओ जल्दी से ले आओ। जी 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 आ रहे पैसे आ रहे, जानो ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ जानो चार। नबी वो भाग क्या है? क्या इसका मतलब है हमारे घर फिर एक बार वो हो गई है? ये तुम्हारी वजह है। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल।